जनादेश है कि भारत की विकसित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहे। माननीय सदस्यगण, 18वीं लोकसभा कई मायनों में एक ऐतिहासिक लोकसभा है। ये लोकसभा अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में गठित हुई है। ये लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 75वीं वर्षों की भी साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है कि इस लोकसभा में जनकल्याण के फसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। आगामी सत्रों में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। भारत के तेज विकास की जन आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए रिफॉर्म्स की गति अब और तेज की जाएगी। मेरी सरकार का मत है कि दुनिया भर में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्यों में स्वस्थ स्पर्धा है, हो यही कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सच्ची स्पिरिट है। राज्यों के विकास से देश का विकास, इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। माननीय सदस्यगण, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। 10 साल में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर 5वें नंबर पर पहुंचा है। साल 2021 से लेकर साल 2024 के बीच भारत में औसतन 8% की रफ्तार से विकास किया है और ये ग्रोथ सामान्य समय में नहीं हुई है। बीती वर्षों में हमने 100 साल की सबसे बड़ी आपात देखी। वैश्विक महामारी के कालखंड और विश्व के अलग अलग कोने में चल रही संघर्षों के बावजूद भारत ने ये विकास दर हासिल की है। ये बीते 10 साल के रिफॉर्म्स और राष्ट्रहित में के लिए किए गए फैसला के कारण संभव है। आज भारत अकेले ही दुनिया की ग्रोथ में 15% का योगदान दे रही है। अब मेरी सरकार भारत को विश्व की 3रे नंबर की इकोनॉमी बनाने में जुटी हुई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति विकसित भारत की नींव को भी मजबूत करने में के काम करेगी। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। PLI स्कीम्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रही है। पारंपरिक सेक्टर्स के साथ साथ सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे सेमीकंडक्टर हो या सोलर हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या बैटरीज हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो या फाइटर जेट्स हो, भारत इन सब सेक्टर्स में अपना विस्तार कर रहा है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए भी मेरी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार सर्विस सेक्टर को भी मजबूत करने में जुटे हैं। आज IT से लेकर टूरिज्म तक, हेल्थ से लेकर वेलनेस तक, हर सेक्टर में भारत लीडर बन रहा है और इससे बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए मौके बन रहे हैं। माननीय सदस्यगण, पिछले 10 वर्षों में मेरी सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर बहुत जोर दिया गया है। गाँव में कृषि आधारित उद्योगों, डेयरी और फिशरीज आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। इसमें भी सहकारिता को प्राथमिकता दी गई है।
सरकार किसानों उत्पाद संघ एफपीओ और पैक्स जैसे सरकारी संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क बना रही है। छोटे किसानों की बड़ी समस्या भंडारण से जुड़े होती है, इसलिए मेरी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम कर शुरू कर चुकी है। किसान अपने छोटे खर्चे पूरे करने के लिए इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें 3,20,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा राशि दे सकती। मेरी सरकार के नए कार्यकाल के शुरुआत दिनों से ही किसानों को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है। माननीय सदस्यगण, आज का भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो और ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात से किसानों की आमदनी बढ़े, इस सोच के साथ नीतियाँ बनाई गई है, निर्णय लिए गए हैं। जैसे भारत दलहन और तिलहन में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए देश के किसानों को हर संभव मदद दे रहे हैं, ग्लोबल मार्केट में किस तरह के फूड प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है इसके आधार पर नई रणनीति बनाई जा रही है। आजकल ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर दुनिया में डिमांड तेजी से बढ़ रही है। भारत के किसानों के पास इस डिमांड को पूरा करने के पूरा भरपूर क्षमता है, इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़ी उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रही है। ऐसे प्रयासों से किसानों का खेती पर होने वाला खर्च भी कम होगा और उनकी आय भी और बढ़ेगी। माननीय सदस्यों, आज का भारत दुनिया की चुनौतियों बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को समाधान देने के लिए माना जाता है। विश्व बंधु के तौर पर भारत ने अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान को लेकर पहल की है। जलवायु परिवर्तन से लेकर खाद्य सुरक्षा तक, पोषण से लेकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तक हम अनेक समाधान दे रहे हैं। हमारे मोटे अनाज श्री अन्न की पहुंच सुपर फूड के तौर पर दुनिया के कोने कोने में हो, इसके लिए भी अभियान चल रहा है।